हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में नीट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिस तरीके का क्वेश्चन आने की संभावना है, उस क्वेश्चन को सिर्फ डिस्कस करूंगा। ठीक है? मतलब ये जो क्वेश्चन का एनालिसिस मैं लिया हूँ वो प्रीवियस ईयर के डाटा पर लिया हूँ कि किस तरीके की क्वेश्चन आने की इस साल संभावना है ना। जो आ चुका है उस तरीके का क्या रिपीट हो रहा है तो आएगा, और किसी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया है 22 और 21 में तो हो सकता है उस पर क्वेश्चन आए। तो मैं एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें दो चार क्वेश्चन तो डायरेक्टली मैच करने की संभावना, नहीं तो सिमिलर सेम पैटर्न पे तो क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा। तो वीडियो को पूरा, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो स्किप कर करके फॉरवर्ड देख लो कि आपके क्वेश्चन सारे आ रहे हैं कि नहीं। देखो तो क्वेश्चन डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। ये कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर ऑफ ऑकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर 1%, 2%, 3% रेस्पेक्टिवली, देन मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ दिस विल बी। तो हमने बताया, इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो तो हम जब परसेंटेज एरर पूछता है तो सिंपली हम क्या करते हैं, एरर को ऐड करते हैं। एरर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये सिंपली पहले लिख लो, ए मैं वाइट से लिख देता हूँ, ये मैं लिखता हूँ ए बी सी और डी। ए में कितने परसेंट का, 1, 2, 3, 4, सिंपली पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए का पावर कितना है, 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बी का पावर कितना है, 1/2। सी का पावर कितना है हमारा, 1/3। और डी का पावर कितना है, 3। अब इसको सिंपली ऐड करना है, क्या करना है, इन सबको आपस में ऐड करना है। ठीक है? तो ऐड करने के बाद जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, 2, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1, और ये कितना आएगा, 12, इसको ऐड करो तो 16% आएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सिंपली करेक्ट हो गया। इस तरीके का क्वेश्चन 21 और 22 में नहीं आया है, तो 23 में मुझे ऐसा लगता है इस तरीके का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना चाहिए। अब देखो, स्क्रू गोज और वर्नियर कैलिपर्स के इस समय क्वेश्चन लगभग रिपीट होते हैं, नहीं एक साल बाद जरूर पूछता है ना। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन 22 में नहीं आया, तो मोस्ट प्रोबेबल है कि इस पैटर्न पर एक क्वेश्चन जरूर आए। तो इसमें पूछा क्या हूं मैं, देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा था, स्क्रू गोज ऑफ लिस्ट काउंट 0.01 mm एंड देयर आर 50 डिविजन्स इन इट्स सर्कुलर स्केल द पिच ऑफ स्क्रू गोज। तो लिस्ट काउंट होता है स्क्रू गोज का पिच, PITCH, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, है ना। तो लिस्ट काउंट दिया 0.01 mm और पिच हमको पूछ रहा है PITCH, और डिवाइडेड बाई कितना है, 50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो पिच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 0.5 mm, क्योंकि ये किस में है, mm में है। तो 0.5 mm, देखो कोई आंसर है, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अच्छा, मैंने लिस्ट काउंट किसका लिखा हूँ, स्क्रू गॉज का। वर्नियर कैलिपर्स का क्या होता है, 1 MSD - 1 VSD, सिंपली उसको भी लगा सकते हैं कि 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, उसमें 10 लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं, 100, लेकिन क्वेश्चन में 50 दिया तो क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, तो दोनों पे एक क्वेश्चन आने की संभावना है ना। अब देखो, मुझे ऐसा लगता है कि इस पे भी एक आना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि ये रिपीट होते हैं अक्सर क्वेश्चन। सी का मैंने बताया हूं, सी की वैल्यू होती है 1/√μ0ε0। अगर मैं इसको पावर के टर्म में लिखे तो रूट का मतलब होता है 1/2, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, μ0ε0 की पावर -1/2, यानी ये स्पीड ऑफ लाइट है, और स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है हमारा, LT की पावर -1। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सिंपली सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखे, अब साइलेंट नोट म्यू नोट का पूछ चुका है, इसको पूछने का या इसको इंडिविजुअल भी पूछने की पूरी पूरी संभावना है। अब साइलेंट नोट और म्यू नोट का अलग से भी डायमेंशन फॉर्मूला जरूर लर्न करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस पे देख रहा हूं कि हर साल एक क्वेश्चन आ जा रहा, तो उस पर एक क्वेश्चन मैं दिया हूं। ठीक है? तो अगर इसको चेक करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, तो देखो हमको क्या बनाना है, फोर्स दिया है, वेलोसिटी दिया है, टाइम आर टेकन एज अ फंडामेंटल यूनिट, देन डायमेंशन ऑफ मास। तो मुझे मास बनाना है, तो ये होगा MLT की पावर -2, ये LT की पावर -1 और T की पावर -1। तो इसमें क्या हो रहा, कैंसिल नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है। ये तो मैं एनालिसिस किया हूँ, जैसे देख के ऑब्जर्व हो रहा है। जैसे क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि जैसे मैं अगर इसको लिखूँ, डी वाले को लिखूँ, तो ये होगा MLT की पावर -2 और ये होगा LT की पावर -1 का -1 और ये टी हो गया, तो ये हो जाएगा MLT की पावर -2,
ये हो जाएगा एल की पावर माइनस वन, और माइनस वन और माइनस वन प्लस हो जाएगा तो ये टी, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ये टी स्क्वायर कैंसिल, एल की पावर माइनस वन एल से कैंसिल तो सिर्फ एम बचा। तो मैंने क्या ऑब्जर्व कर रहे थे कि मास सिर्फ किस में आएगा, तो इसको डायमेंशन एनालिसिस से सॉल्व नहीं करिएगा, इस तरह से ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन से सॉल्व करिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर है। सिग्निफिकेंट फिगर में ऑपरेशन पे आता है, अगर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो आंसर आफ्टर डेसिमल मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में लिखिएगा, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमम, टोटल मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लिखिएगा। तो इसको मुझे नहीं लगता है किसी को सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है, चेक कर ले, इसमें दो है और कलर ये रेड ले लो, इसमें दो है, इसमें दो है, आंसर इसमें आफ्टर डेसिमल चार है, ये नहीं हो सकता, इसमें दो है, इसमें तीन है और इसमें एक है, तो दो किस में आ रहा है इसमें, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, सब्ट्रैक्ट नहीं करिएगा, इतना टाइम नहीं है ना। अब देखो यही कह रहे थे कि रीडिंग पे क्वेश्चन ले लिया हूं ताकि रीडिंग वाला भी आ सकता है, ये कौन सा है स्क्रू गॉज, सेम फॉर्मूला हम वर्नियर कैलिपर्स में भी लगाएंगे, द स्टूडेंट मेजर द डायामीटर ऑफ अ स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग अ स्क्रू गॉज लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm एंड जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवीजन कॉन्साइड विद 25 डिविजन्स अबव द रेफरेंस लेवल, द स्क्रू गॉज ऑफ द जीरो रेफरेंस लेवल जीरो एरर दिया है, जीरो एरर ऑफ दिस द करेक्ट डायामीटर ऑफ द बॉल, तो जब इसकी रीडिंग कैसे बताए थे, करेक्ट रीडिंग कैसे निकालेंगे हम लोग, मेन स्केल रीडिंग प्लस एन इंटू लिस्ट काउंट माइनस जीरो एरर, ये सेम फॉर्मूला हम वर्नियर कैलिपर्स के भी लगाएंगे। तो देखो मेन स्केल रीडिंग दिया 5 mm, आंसर सेंटीमीटर में दिया है तो 0.5 सेंटीमीटर कर लो, कहाँ पे कॉन्साइड कर रहा है 25 पे, लिस्ट काउंट इसका दिया है 0.001 सेंटीमीटर माइनस जीरो एरर, देखिए फॉर्मूले में माइनस होगा तो माइनस के साथ रखिएगा, प्लस होगा तो प्लस के साथ, माइनस 0.004 सेंटीमीटर, तो इसको ऐड करना, मैं ऐड करना यहाँ सिखा देता हूँ, 0.5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो 0.00 कर रहे 25 हो जाएगा, और इसको ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0.004 ऐड करो, 5 और 4 9 यहाँ 2 ये कितना होगा 5, 0. किस में आया सेंटीमीटर में, कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन करेक्ट है इसका, मेरी बात समझे ये ठीक है तो नीट के ही क्वेश्चन, लेकिन किस पैटर्न पे आने की संभावना है उस टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, फर्जी बात मैं नहीं कर रहा हूँ ठीक है। अब ये देखो, अब ये मैंने वन डायमेंशन से लेके आया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे एक क्वेश्चन 2023 में डेफिनेटली आएगा, वो थोड़े से क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं लेकिन इसी पैटर्न का रहेगा। तो जैसे इसमें क्या पूछ रहा है, ए पार्टिकल कवर हाफ इट्स डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2, द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी, ये तो फिलहाल मुझे याद है, डायरेक्ट टिक कर सकता हूँ, सी ऑप्शन है, कैसे निकालते मैं ये बता दे रहा हूँ, ये कह रहा कि टोटल डिस्टेंस को 2s मान लीजिए तो आधा s होगा, आधा s होगा, यहाँ पे स्पीड v1 है, यहाँ स्पीड v2 है, टाइम यहाँ t1 मान लीजिए, यहाँ पे t2, जब भी एवरेज स्पीड निकालते हैं हम तो टोटल डिस्टेंस तो s प्लस s डिवाइडेड बाई टोटल टाइम t1 प्लस t2, तो टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो s कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, हो सकता है ये 40 किलोमीटर या 30 किलोमीटर पर आवर इस तरह से वैल्यू दिया हो, लेकिन फॉर्मूला ये लगने की पूरी पूरी संभावना है। एवरेज अगर वेलोसिटी निकालेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है जहां से चला अगर वहीं आ गया तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो नेट वेलोसिटी कितनी, एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जीरो, लेकिन एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखे रहिएगा। अगर मैं बात करूँ इस पे ग्राफ पे अगर कैसे क्वेश्चन आता है, अच्छा एक बात बताइए, ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है, वेलोसिटी, और मैंने ग्राफ बनाते समय बताया था स्लोप टेन थीटा से निकालते हैं, तो ऐसी लाइन खींचेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा, ऐसे लाइन खींचेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होता तो स्लोप नेगेटिव होगा, लाइन ऐसे खींचेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू जीरो होती है तो स्लोप जीरो होगा, बहुत डीप नहीं आपसे बात करेंगे, मैं डायरेक्ट बताता हूँ कैसे करेंगे, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करिए, यहाँ ड्रॉ करिए, यहाँ ड्रॉ करिए, यहाँ ड्रॉ करिए, ऐसी वाली लाइन यही तो है, तो यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है, ग्राफ से भी क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना इस साल। इसमें क्या कह रहा है हमारा, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवेन बाई इक्वेशन एस 3t² 7t² 14t + 8 मीटर, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल t = 1 सेकेंड,
तो मैंने क्या बताया, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या देगा, इसको मैं डिफरेंशिएट यहाँ करता हूँ, ds by dt करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 3 को बाहर ले लो, t की पावर 3 का कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर, 7 को आप बाहर ले लीजिए, टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा, 14 को आप बाहर ले लीजिए, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और ये कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का 0, ये अभी ये वेलोसिटी आया। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे आप तो क्या आएगा एक्सेलरेशन, ये 3 × 3 कितना हो गया 9 और टी स्क्वायर बचाया तो टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा, और 7 × 2 14 हो गया, t का कितना हो जाएगा 1, इधर कॉन्स्टेंट हो गया है तो इसका 0 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 18t + 14। ये किस टाइम पे निकालना, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो यहाँ सिंपली वैल्यू रख दीजिए 18 × 1 + 14, इसको सिंपली ऐड करिए तो ये आ जाएगा 32 m/s². कोई ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन हमारा बी है, मतलब डिफरेंशिएशन पे इतना कठिन नहीं आएगा, थोड़े और इजी ही रहेगा, इंटीग्रेशन पे भी एक क्वेश्चन आने की मुझे ऐसा लगता है संभावना है, आ सकता है ना, लेकिन ज़्यादा टिपिकल नहीं रहेगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है डिफरेंशिएशन पे आए क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो गया, तो इंटीग्रेशन थोड़े से टफ होते हैं ना। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये तो रटी के जाना भैया, ये तो हो सकता है इस बार भी पूछे, ये कह रहा कि अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, इट कवर्स अ डिस्टेंस h1 h2 h3 इन द फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड द नेक्स्ट 5 सेकेंड रेस्पेक्टिवली, द रिलेशन बिटवीन h1 h2 एंड h3। इसको NCERT में गैलीलियो लॉ बता दिया है, यहाँ से एक बॉल फ्रीली ड्रॉप किया गया है, तो अगर यहाँ पर 5 सेकेंड की बात करेंगे, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड की बात करेंगे, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड की बात करेंगे, या सिंपली मैं t मान ले रहा हूँ, t सेकेंड और टी सेकेंड .. यहाँ हाइट जो फ्रीली फॉल कर रहे हैं ये h1 है, ये h2 है, ये h3 है, तो इसे गैलीलियो में रटवा रहा हूँ मैं, रट लेना, h1 = h2 = h3 का जो डिस्टेंस आता है 1 = 3 = 5 = 7 ... आता है। इस तरीके से याद रखिए, इसी को मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, h1 upon 1 = h2 upon 3 = h3 upon 5 = h4 upon 7 ... ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी ये 2022 में भी आया था, लेकिन जैसे मान लीजिए इसको 21 फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, इस फॉर्मूले से लगता है ये SN = U + G / 2 (2n-1), लेकिन भैया यार फॉर्मूला काहे लगाओगे, इतना टाइम नहीं है, अगर ये मैं आता है इस तरीके गैलीलियो लॉ पे तो डायरेक्ट देखो टिक करो आंसर, इतने किसी के पास टाइम नहीं है ना। तो इसमें ऑप्शन मैच कराना, कौन सा मैच कर रहा है, डी ऑप्शन मैच कर रहा है, हो सकता है रेशियो में दिया हो तो रेशियो में टिक कर देना भैया, ठीक है। ये वेक्टर पे मुझे ऐसा थोड़ा सा गेस किया हूं तो लगा वेक्टर पे आ जाना चाहिए, वेक्टर एडिशन लॉ, बी किधर, हम बी किधर है, नीचे है, रेड ले लो, बी किधर है, नीचे, सी किधर है, इधर, अब इसका रिजल्टेंट वेक्टर किधर आएगा, इसको वेक्टर एडिशन लॉ से कर रहा हूं, एफ आना चाहिए, लेकिन ये जो एफ है वो अपना इधर है, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि मेरा जो आ रहा इधर आ रहा, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। इसका बी का चेक करो, डी किधर है हमारा, डी है ऊपर, और सी किधर है, इधर, इसका रिजल्टेंट इधर आना चाहिए एफ, लेकिन एफ तो क्वेश्चन में इधर दिया है ना, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ये चेक करो डी, डी किधर दिया है, ऊपर, और ई किधर दिया है, इधर, और ये रिजल्टेंट वेक्टर एफ आएगा, क्वेश्चन में भी एफ इधर ही दिया है, यानी ये सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी ऑप्शन से आप चेक करके टिक कर सकते हैं अगर इस तरीके का कोई ऑप्शन आता है तो। अब देखो इसको तो मैंने जानबूझ के लाया, काफ़ी ओल्ड है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन काफ़ी आता था, अभी नहीं आ रहा है, लेकिन ये जब आता था तो रिपीट करता था, तो हो सकता है इस तरीके का आ जाए क्वेश्चन। ये मोड को सिंपली एक्सपेंड करना है, ए वेक्टर ए और बी का मोड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a² + b² + 2ab cos θ, इधर माइनस का ब्रेक करो, a² + b² - 2ab cos θ, मेरी बात समझे, a² b² दोनों साइड से क्या हो गया, कट गया, 2ab cos θ माइनस इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 4ab cos θ इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ये ab से उधर डिवाइड कर दो तो ये cos थीटा की वैल्यू 0 हो गई, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री आ जाएगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, समझ रहे हो। मतलब चैप्टर से कंक्लूजन जो आया है या जो नहीं आता है, ठीक है, उस जो नहीं आता उसके बारे में तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहले कभी आता था अभी नहीं आ रहा है तो वो कल्टी मार सकता है, इस बार भाई आ सकता है, और जो रिपीट करता है उसको तो जरूर देख के जाना चाहिए, है ना। रिवर बोट पे मुझे ऐसा लगता है इस साल एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो रिवर बोट पे दो केस बनता है, एक शॉर्टेस्ट टाइम का,
एक शॉर्टेस्ट पाथ का, बस दो ही मतलब टॉपिक पे क्वेश्चन आता है और बहुत इजी होता है। ये कह रहा है द स्पीड ऑफ द स्विमर स्टील इन स्टील वाटर 20 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ रिवर इज 10 मीटर पर सेकेंड, इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट इस डायरेक्शन में। इफ द स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक एंड विशेस टू क्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट पाथ एलोंग विच द शुड मेक्स द स्ट्रोक विद रेस्पेक्ट टू नॉर्थ इज गिवेन। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, वैसे आपको पता ही होगा, ये किसको नहीं पता होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब ये नदी ऐसे बना लिया है। तो ये कह रहा है इस डायरेक्शन में कितना तैरे कि डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, मतलब ये नदी है, हमको तैर के डायरेक्ट यहाँ पहुँचना है, लेकिन नदी भी बह रही है। अगर मैं सीधे इस तरह से तैरूँ तो नदी बहा के हमको यहाँ पहुँचा देगा। यानी सिंपल, इसका ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट मुझे यहाँ पहुँचना है तो मैं कुछ ऐसे तैरूँगा, और किससे तैरा हूँ 20 से, और नदी मुझे बहा के ले गई है 10 से यहाँ पर। इस एंगल को थीटा मान लेना, ये ट्रेंगल थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, मतलब इस तरीके का ट्रेंगल बन गया है। ये कितना है अपना 90 डिग्री, ये कितना है 20, ये कितना है 10, और ये थीटा ही तो पूछ रहा है, तो यहाँ से साइन थीटा डायरेक्ट लगा दो, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 1/2। साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कितनी होती है 30 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से ए कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। यानी ये यहाँ से, यहाँ दोबारा बता देता हूँ, यहाँ से इस डायरेक्शन में कितना एंगल इधर स्ट्रोक करेगा 30 डिग्री, इधर क्या आता है वेस्ट, तो 30 डिग्री वेस्ट की ओर है ना, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। देखो बहुत बेसिक लेवल की थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आनी चाहिए, फिजिक्स छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, है ना। इसमें देखो भैया क्या पूछा है, ये कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट ए, इतना दिया है, वेलोसिटी एट पॉइंट बी यहाँ पर दिया है। तो मैंने एक बात बताया था, जब भी मैंने ये चीज़ थ्योरी बताता हूँ तो एक बात बताता हूँ कि जैसे ये बनेगा, अगर ये स्पीड u है तो इधर क्या होगा u cos थीटा, कब, जब इसको मैं थीटा लूँगा, ऊपर क्या होगा हमारा u sin थीटा जब कंपोनेंट लेंगे, लेकिन x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला चेंज होगा। तो ऊपर वाला जब यहाँ एक्स डायरेक्शन वाला नहीं चेंज हुआ तो ऊपर वाला चेंज होगा, क्योंकि जिस वेलोसिटी जितना यहाँ है उतना यहाँ आना चाहिए, तो एक्स डायरेक्शन वाला नहीं चेंज हुआ, वाई डायरेक्शन वाला चेंज हो गया, तो यहाँ ऊपर है या नीचे है, तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ डायरेक्शन। तो यहाँ पर अगर हमारा कितना है 2i कैप + 3j कैप, तो यहाँ पे आएगा बी पॉइंट पे कितना हो जाएगा 2i कैप में कोई चेंज नहीं होगा, 3j कैप ऊपर होगा तो -3j कैप हो जाएगा नीचे की ओर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, बहुत बेसिक लेवल पे। इस पे क्वेश्चन तो हर साल आता है, इस साल 22 में भी एक सिंपल क्वेश्चन आ गया था, टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी पूछ लिया था, है ना। देखो भैया ये सर्कुलर मोशन का है, ये सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ कंपोनेंट पे सॉल्व हो गया है, तो हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चन अब रिपीट कर दे, है ना। इसमें क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ए की वैल्यू दिया है, ए दिया है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिप्रेजेंट द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन इन द सर्किल, रेडियस आर दिया है 2.5 मीटर एट द गिवन इंस्टेंट टाइम, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड पूछ रहा है, मेरी बात समझे कि नहीं। तो इसमें सिंपली ये क्या कह रहा है, ये यहाँ पर फिगर बना हुआ है, ए इधर दिया हुआ है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर, इधर 30 डिग्री दिया है तो इधर क्या होगा ए कॉस 30 होगा, क्या होगा ए कॉस 30। अच्छा, जो अंदर की ओर एक्सेलरेशन लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसको बोलते हैं ए आर से डिनोट करते हैं। ये वैल्यू कितनी होती है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर होती है, और ये ए आर कंपोनेंट से आ कितना रहा ए कॉस 30 डिग्री आ रहा है, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। यहाँ सिंपली वैल्यू रखना है, ए की वैल्यू कितना दिया है 15, कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2, और ये हो जाएगा वी इक्वल है इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, आर की वैल्यू कितना दिया है 2.5 मीटर। तो सिंपली यहाँ से आप वी कैलकुलेट करिएगा, है ना, मैं डायरेक्ट टिक कर दे रहा हूँ। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अपना टाइम नहीं लॉस करना चाहते हैं, क्लियर है। ये क्वेश्चन देखो बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रोजेक्टाइल मोशन से अगर एक क्वेश्चन बहुत बेसिक वाला पूछेगा तो वो इसी टाइप के क्वेश्चंस है। वो ये कह रहा है द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से मैंने अभी बताया ना, इस तरीके से जब जाएगा, इस यहाँ से यू होगा तो ये कितना होगा थीटा, तो ये यू कॉस थीटा होगा, कितना होगा, जब टॉप पे भी जाएगा तब भी u cos थीटा होगा, वर्टिकल वाली वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो ये u cos थीटा जो है वो इनिशियल का हाफ है, इनिशियल में स्पीड कितना है u, तो u divided by 2, तो u से u कट जाएगा,
तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, इसमें कह रहा है कि इफ द फोर्स एफ एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास एम इज इंडिकेटेड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर अ टाइम इंटरवल इज 0 to 8 सेकेंड, चेंज इन इंटरवल। तो एफ इंटू टी क्या होता है हमारा, इम्पल्स पता होता क्या होता है, इम्पल्स, इम्पल्सिव फोर्स जो होता है वो होता है एफ इंटू डेल्टा टी होता है। ठीक है, और यही क्या होता है हमारा, एफ की वैल्यू क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी रखिए, तो ये डेल्टा टी है, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, तो ये आएगा चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम यानी एफ इंटू टी, और ये एफ है और ये टी है, तो इसका ग्राफ हमको क्या बताएगा, चेंज इन मोमेंटम बताएगा, चेंज इन मोमेंटम। तो 0 to 8 सेकेंड की बात कर रहा है, तो हमको सिर्फ और सिर्फ एरिया निकालना, क्या करना, एरिया, तो इसका एरिया निकालो यहीं पर, इसका एरिया मैं यहीं लिखता चलता हूँ, 1/2 बेस, बेस इसका कितना है, ये 2, हाइट कितनी है इसकी 6, इसका एरिया निकालो, तो इसका एरिया निकालेंगे तो ये कितना है हमारा, यहाँ से यहाँ तक 4 में से 2 जाएगा तो 2, इसकी हाइट कितनी है 3, इसका एरिया निकालेंगे तो ये कितना होगा 2 और ये 2 4, तो 4 इंटू हाइट कितनी है इसकी 3, तो ये कितना आ रहा हमारा 12 आ रहा है, ये कितना आ रहा 6 आ रहा है ना, और ये कितना आ रहा हमारा 2 से 2 कट गया तो 6, मेरी बात समझे, तो ऊपर वाला ग्राफ पॉजिटिव होगा और नीचे वाला हमारा कैसा होगा, नेगेटिव है, तो इसको ऐड करो 6 + 12 - 6, तो ये इससे कट जाएगा तो 12 आएगा चेंज इन मोमेंटम, यानी इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ये वाला सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, अगर इसको जिसने ऐड कर दिया होगा, देखो 6, 6, 12 और 12, तो 24 आ गया होगा उसका आंसर, जब भी आप निकालिएगा तो नीचे नेगेटिव है ऊपर पॉजिटिव है, तो चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे या इंपल्सिव फोर्स निकालेंगे तो विद साइन करिएगा, ध्यान रखे रहिएगा, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को ग्राफ को डिस्कस कर दिया, इसकी मुझे ऐसा लगता है संभावना है आने की। इस क्वेश्चन को मैंने बताया था डायरेक्ट निकालने का तरीका, कह रहे टू मासेस ऑफ सोन इन द फिगर आर सस्पेंडेड फ्रॉम द मासलेस पुली, द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम व्हेन द मासेस आर लेफ्ट फ्री। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है 20 में भी आया था, लेकिन मैं 2000 का लाया हूँ, काफी ओल्ड क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन आता है। तो ये बताओ ये ऊपर की ओर क्या बनता है हमारा, इसमें ऊपर की ओर टेंशन बनता है, ठीक है टी, और ये नीचे कितना लगेगा 10g, और यहां पे क्या लगेगा 5g, मेरी बात समझे। तो इसमें से अगर मैं निकालूंगा, नेट एक्सेलरेशन निकालने का तरीका बताए थे कि नेट पुलिंग फोर्स अपॉन नेट मास है ना, तो नेट पुलिंग फोर्स क्या करेंगे हम लोग, 10g में से 5g को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए, 10 + 5 कितना हो जाएगा 15, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 5g डिवाइडेड बाई 15, इससे कट कर दो तो 3 आ जाएगा, तो ये कितना आएगा g/3, कितना आया g/3 सिंपली है ना, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा g/3, यानी ये इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट है, क्लियर हो रहा है। इस पे क्वेश्चन एक हो सकता है टेंशन पूछ ले, अगर इसमें टेंशन पूछेगा ना तो पता क्या कर लेना, इसमें अगर टेंशन पूछेगा तो क्या करना होगा, ये ब्लॉक किधर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो ये हो जाएगा 10g - t = इसका मास 10 × एक्सेलरेशन, तो जो एक्सेलरेशन ये निकला है रख देना, तो यहां से टी निकल जाएगा सिंपली, और कुछ इसमें पूछने की संभावना ही नहीं है, है ना। अब देखो अगर यही क्वेश्चन फ्रिक्शन लगा दे तो भी उसी तरीके से लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि अलग से लगा देंगे, इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में कह रहा कि अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 masses m1 m2 एंड m3 कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ पुली पी, द मास m1 हैंग्स फ्रीली एंड m2 एंड m3 आर अ रफ हॉरिजेंटल टेबल, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, द पुली इज फ्रिक्शनलेस द नेग्लिजिबल मास, द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन m1 एज्यूम m1 m2 m3 m सब m है, तो यहां लिख लो सब, पहले ये m है, ये भी m है और ये भी m है, ये नीचे खींचेगा, ठीक है यही खींचेगा, और यहां पे और यहां पे रोकेगा इधर फ्रिक्शन फोर्स से, फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है μmg, यहां भी रोकने वाला क्या होगा μmg, ये खींचने वाला क्या होगा mg, तो नेट एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या हो जाएगा mg - μmg और -μmg डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो टोटल मास कितना हो जाएगा 3m, m कैंसिल हो गया और इसमें कितना हो जाएगा g कॉमन ले लो, तो 1 - μ - μ डिवाइडेड बाय 3,
तो ये कितना हो जाएगा, जी ब्रैकेट में वन माइनस टू म्यू डिवाइडेड बाई थ्री। तो कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन जी बाई थ्री वन माइनस टू म्यू, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, देख रहे हो। तो फ्रिक्शन लगे तो कन्फ्यूज ना होना, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन नेट मास, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन नेट मास लगा दीजिएगा, डायरेक्टली एक्सेलेरेशन आ जाएगा। अब कहीं पे टेंशन कहेगा तो यहाँ पे टेंशन बैलेंस कर लीजिएगा, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो एम जी माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन से टेंशन भी निकाल सकते हैं पर्टिकुलर स्ट्रिंग में। देखो इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लाया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या भरोसा ये इस बार पूछ ले, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ चुका था, हो सकता है इस पर न्यूमेरिकल पूछ ले, ये डायरेक्ट है ना। इसमें पूछा क्या था, देखो इसमें पूछा है कार इज निगोएटिंग कर्व रोड इन रेडियस आर, ठीक है। ये देखो ये बैंकिंग का क्वेश्चन है, बैंकिंग में सेफ स्पीड, मैक्सिमम सेफ स्पीड का डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लिया, इसलिए मैं लाया हूँ। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, इस फॉर्मूले को लर्न करके जाइएगा, हो सकता है इस पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। देखो ऐसे अगर मेरी ये सारे क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है बेनिफिशियल हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो, मैं जैसे अभी एक दो दिन जो भी बचा है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन छाट छाट के मैं अपलोड करूँ, मेरी बात समझ रहे हो। जो भी लास्ट तक वीडियो देखा है उसको लग रहा है कि सर क्वेश्चन वाकई में इंपॉर्टेंट वाले डिस्कस कर रहे हैं, तो वो नीचे ज़रूर कमेंट कर दे, तो मैं अगला वीडियो जस्ट इसके आगे वाले अपलोड करूँगा। ऑल द बेस्ट।